नमस्कार। हाँ जी, तो आप अपना परिचय, नाम और क्या करते हैं, कैसे आए, ये सब डिटेल में बताएं। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, मैं एक आई सर्जन हूँ, जो रायपुर में मेरा आई हॉस्पिटल है। आपकी क्वालिफिकेशन? मैं MBBS, MS, PhD, FFM। वेरी नाइस। आई सर्जन के साथ साथ मैं होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ और लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट भी हूँ। मैं इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम पर पिछले 7 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि मेडिकल साइंस के साथ साथ अदर साइंसेज को ऐड करके मेडिकल साइंस जो इनकम्प्लीट है उसे कम्प्लीट बनाया जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं लाइफ की जो है मेडिकल साइंस से सॉल्व नहीं हो सकती, उसमें हमें माइंड की साइंसेज को ऐड ऑन करना होगा। तो मैं माइंड और एनर्जी मेडिसिन पे भी वर्क कर रहा था, और इसी दौरान मेरा इंटरेस्ट हिप्नोटिज्म सीखने पे था। तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसे व्यक्ति जो मुझे हिप्नोटिज्म सिखा सके। लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कहीं जाना आना पॉसिबल नहीं था, तो मुझे यूट्यूब पर गुरु जी का वीडियो दिखाई दिया। अच्छा, हमारा वीडियो उसमें मिल गया। आपसे संपर्क किया। और मैं ऐसे सोचता था कि ऑफलाइन तो सिखाया जा सकता है हिप्नोटिज्म, बट ऑनलाइन नहीं। लेकिन गुरुजी ने कमाल किया और मुझे हिप्नोटिज्म ऑनलाइन भी सिखाया। अच्छा, ऑनलाइन में आपको परफेक्ट कर दिया। परफेक्ट से, क्या बात किया, क्या बात है। उसके बाद फिर जब मैंने इनके वीडियो देखे कि क्या मंत्रों के द्वारा पर्सन को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, और हिप्नोटाइज करके उसकी हीलिंग की जा सकती है, उसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, तो मेरा फिर से डाउट था कि क्या मंत्रों के द्वारा भी पॉसिबल होता है। यस, मैं मानता जरूर था, लेकिन उसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन और सिखाया गुरुजी ने यहाँ पर 3 दिन की वर्कशॉप के अंदर, मैग्नेटिज्म की वर्कशॉप के अंदर। बहुत अच्छा अनुभव रहा, गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से सिखाया, उसके डेमोंस्ट्रेशन दिखाए। और मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगा, जो भी लोग हिप्नोटिज्म में, माइंड साइंसेज में आगे जाना चाहते हैं, मैग्नेटिज्म को सीखना चाहते हैं, वो गुरुजी से जरूर संपर्क करें। और ये साइंसेज हमारे वैदिक साइंस का एडवांस वर्जन है, क्योंकि हमारे वैदिक साइंस में, वैदिक विज्ञान में ये सारी चीज़ों का उल्लेख था, लेकिन आज हमें इन्हें मॉडर्न तरीके से दोबारा पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 डायमेंशन ऑफ वेलनेस के लिए हमें मेडिकल साइंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अदर साइंसेस को इंटीग्रेट करना है। और उस एक साइंस में जिसमें माइंड का सबसे बड़ा रोल है, वहाँ पर एस के समेले जी, गुरु जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। ये तो आपकी बहुत कहना चाहिए, आप इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, एक जाने पहचाने और नामचीन, इतनी सारी डिग्रियां आपने कर रखी हैं, और डॉक्टर तो हजारों और लाखों हैं, लेकिन यूनिक डॉक्टर अपने आप में, जो एक साथ में माइंड के साइंस को लेकर के चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी। तो आप थोड़ा बच्चों के लिए कुछ ऐसा बताएं कि जिनकी मेमोरी के लिए, वो कल आप चर्चा कर रहे थे क्लास में, कैसे वो याद जल्दी कर सकते हैं, कैसे रिकॉल आती है मेमोरी, उसके बारे में 2 मिनट प्रकाश डालें। बिल्कुल। देखिए समीली जी, क्या होता है, जो हमारा माइंड है उसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एक विजुअल, एक ऑडिटरी और एक काइनेस्थेटिक। और हम सीखते भी, हर कोई जो सीखता है कोई भी चीज़, या तो वो विजुअल से सीखता है, या ऑडिटरी से सीखता है, या काइनेस्थेटिक से सीखता है। जो माइंड का अपर कंपार्टमेंट है वो विजुअल है, जो बीच का कंपार्टमेंट है वो ऑडिटरी है, और जो लोअर कंपार्टमेंट है काइनेस्थेटिक। और इनका डायरेक्ट रिलेशन हमारे आइज के साथ होता है। जैसे कुछ बच्चों को जब हम वीडियो दिखाएंगे तभी वो कुछ चीज़ को सीख पाएंगे, कुछ लोगों को जब ऑडियो सुनाएंगे तब भी वो सीख पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो देखने से या ऑडियो सीखने से नहीं होगा, उन्हें क्या करना होगा, वो डायरेक्ट चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, काइनेस्थेटिक। लेकिन इस चीज़ को अगर हम बच्चों के लिए कहें, तो बच्चों में इस साइंस को इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि जब बच्चे किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, तो उन्हें याद करते समय अपने आईज को, ये जो ब्रेन है, ब्रेन की जो 3 कंपार्टमेंट है, ये हमारे माइंड के साथ जुड़े हैं, और आईज जो है माउस की तरह काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर का माउस होता है, तो कौन से कंपार्टमेंट में आपको फाइल स्टोर करनी है, वो आईज के माउस के साथ एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर्सन को विजुअल कंपार्टमेंट में फाइल स्टोर करनी है, तो उसे अपने आईज को याद करते समय इमेजिनेशन में जाना है, राइट अप और लेफ्ट अप आईज को लेके जाना है, और फिर वो जो चीज़ें पढ़ रहा है उसे याद इमेजिनेशन में लाना है, तो इस तरीके से वो फाइल को अपने विजुअल कंपार्टमेंट में स्टोर कर रहा है। सिमिलरली जब उसे ऑडिटरी फाइल बनानी है, तो उस चीज़ को उसे आँखें बंद करके सुनना है या आँखें खोल के सुनना है, और आईज को लेफ्ट हॉरिजॉन्टल या राइट हॉरिजॉन्टल लेकर जाना है। इसी प्रकार से जब उसे वापस कोई चीज़ फील करनी है, तो उसे नीचे देखना है, राइट डाउन या लेफ्ट डाउन, और फिर एक बार सारी आँखों को बंद करके अप, हॉरिजॉन्टल और डाउन, तीनों डायरेक्शन में देखना है। इसके पश्चात उसको, इस फाइल को, एक अपने जो बुक है उस बुक को देखें, फोटो खींचे ऐसे आँखों से 3 बार, और आँखें बंद करके उसे स्टोर कर दें।
जब वापस एग्जाम में जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है कि बच्चे किस तरह से याद कर सकें और किस तरह से उसका साइंस है, वो आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नो डाउट हमारे चैनल के हजारों फॉलोवर्स हैं, उनके बच्चे इसका लाभ जरूर उठाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी है और आई एम प्राउड ऑफ यू दैट आई एम योर गुरु। ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे डॉक्टर काबिल मेरे शिष्य हैं और आप इस साइंस को बहुत आगे ले जाएं, मेरी ये तमन्ना है, वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएं। बस ये मेरा आपके साथ में जो है मेरा भगवान से ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। आप यहाँ आइए, मेरे शरीर में आइए, मेरे प्राणों में आइए, मेरी आत्मा में आइए, मेरे आभा मंडल में आइए, मेरे मणिपुर चक्र में आइए, फॉर परफेक्ट एनिमल मैग्नेटिज्म ऑफ डॉक्टर अनिल गुप्ता, भगवान की इच्छा में आदेश का पालन करें। शरीर में आइए, मेरे प्राणों में आइए, मेरी आत्मा में आइए, मेरे आभा मंडल में आइए, मेरे मणिपुर चक्र में आइए, फॉर परफेक्ट एनिमल मैग्नेटिज्म ऑफ डॉक्टर अनिल गुप्ता, भगवान की इच्छा में आदेश का पालन करें। धन्यवाद। Now I am removing from all kinds of blockages, all kinds of cleaning of chakras. Balance of chakras energy.